गंगा पार करना। ब्रह्मा बेला में राम ने शैया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्य देव का समय आ पहुँचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है, यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्र गामिनी परम गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषादराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषादराज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? रामचंद्र ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने के पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दें कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का कंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें यह भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को केकई से शीघ्र बुला लें तथा राज्य सिंहासन सौंप दें ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा ना हो। हे मंत्रीवर, भरत से भी मेरा यह संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतत अयोध्या की परिजनों के प्रमुख सम्मुख में कैसे जा सकूंगा? जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं जानता हूं कि आपको न पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, यह तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई थी। इस काली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा? आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा कठिन है, इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता केकई के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं, इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से जहाँ माता केकई की शंका भी समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा ही क्यों ना हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र ने सुमंत को विदा किया। सुमंत अश्रु पूरित नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गौ से बोले, निषादराज, तुम कृपा करके हमारे लिए बड़ का दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करके तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम की बात सुनकर गुह स्वयं जाकर बड़ का दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक
तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्यत हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने कलुषहारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गुह को हृदय से लगा लिया। फिर उनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषाद राज को विदा किया। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के अयोध्या कांड भाग 14 गंगा पार करना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।